नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। सीधे आपको अंबेडकर नगर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी कुछ कह रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब एक एक गरीब परेशान दिख रहा था, तब केवल या तो राज्य और केंद्र सरकार कार्य कर रही थी या भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा था। तब न कांग्रेस थी, न सपा थी, न बसपा थी। प्रशासन कार्य कर रहा था, हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे थे, कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे थे, लेकिन ये सब सेल्फ क्वारंटीन में चले गए थे, अपने अपने घरों में दुबक गए थे। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपके दुख के साथ खड़ा नहीं हो सकता, क्या आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए? थोड़ा जोर से जवाब दीजिए, क्या आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए? कहां चले गए थे सपा के लोग? और टीकाकरण के लिए जब फ्री में टीकाकरण की कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर प्रारंभ की, तो कांग्रेस ने भी और समाजवादी पार्टी ने भी इसका विरोध किया था ना? क्या ये आपके हितेशी हो सकते हैं क्या? ये लोग तो जान पर खिलवाड़ कर रहे थे। फर्जी फर्जी गाड़ी के नंबर दिए जा रहे थे, जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। भाइयों बहनों, अगर सपा की सरकार होती और कांग्रेस की सरकार होती, क्या अयोध्या में राम जन्मभूमि का विवाद सुलझा होता? क्या ये लोग राम मंदिर बनाते? क्या ये लोग गरीबों को मकान देते? क्या ये लोग गरीबों को शौचालय देते? क्या ये गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर देते? क्या ये लोग गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देते? भाइयों बहनों, जब ये आपको कुछ भी सुविधा नहीं दे सकते, विकास नहीं कर सकते, आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, तो क्या आपको उनको समर्थन करना चाहिए? तो यही समझाने की आवश्यकता है, हरेक व्यक्ति को यही समझाने की आवश्यकता है। ये जाति के नाम पर लड़ाने वाले लोग बाद में जातिवाद का जहर घोल करके उन जातियों की सौदेबाजी करने का कार्य करते हैं, और भाइयों बहनों, उसके बाद फिर दंगों को भड़का करके निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने का काम भी करते हैं, प्रदेश में अराजकता पैदा करने का काम करते हैं, प्रदेश के नौजवानों के सामने विश्वास का संकट और पहचान का संकट खड़ा करते हैं। 2017 के पहले प्रदेश के नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही थी। 4.5 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश में 72 कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से 1.61 करोड़ लोगों को निवेश करवा करके यहां पे नौकरी उपलब्ध करवाई है, और परंपरागत उत्पाद और परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रशिक्षित करके 60 लाख लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य भी हुआ है। भाइयों बहनों, पहले नौकरी निकलती थी, एक खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था, इतना हंगामा होता था कि कोर्ट को उसको स्टे करना होता था, और उसके बाद नौकरी ठप, नौजवान बेचारा इंतजार करते करते बूढ़ा हो जाता था, नौकरी कभी नहीं आती थी। आज तो सरकार ने तय किया है, कोरोना महामारी से देश दुनिया जूझ रही है, और नौजवान को सरकार पहली स्मार्ट होने का कार्य है। एग्जामिनेशन के साथ साथ ऑन एग्जामिनेशन भी होगा, पढ़ाई के साथ साथ परीक्षा भी ऑनलाइन हो पाएगी, और इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है, टैबलेट और स्मार्टफोन नौजवानों को उपलब्ध करवाने करवा कर रही है। और इसलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं, जो सरकार आस्था को सम्मान न दे सके, बिना भेदभाव के सुरक्षा न दे कर सके, बिना भेदभाव के गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव को, गरीब को, नौजवान को, महिलाओं को, किसानों को न दे सके, विकास की परियोजनाओं को आगे न बढ़ा सके, उस पार्टी को चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और आती है
तो उनकी जमानत जब्त कराने का अधिकार आपके पास होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसलिए भाइयों बहनों, 2017 के पहले बिजली मिलती थी क्या? आज तो बिजली आती होगी ना। 2017 के पहले राशन मिलता था क्या? आज राशन राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो भाइयों बहनों, यही अंतर है। सरकार के चेहरे बदले हैं, प्रदेश वही, तंत्र वही, केवल पार्टी की सरकार बदलने से कितना परिवर्तन हो सकता है, यह आज प्रदेश के अंदर और जनपद के अंदर भी देखने को मिल रहा है। ये 334 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इस अकबरपुर विधानसभा के साथ साथ अंबेडकर नगर जनपद को प्राप्त हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग दीपावली के आयोजन के साथ जुड़ेंगे और आप सबको मैं इसकी अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए आप सबका आह्वान करूंगा। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो अंबेडकर नगर में करोड़ों की सौगात दी गई है, 344 करोड़ की परियोजनाओं की ये सौगात दी गई, 99 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। और लखनऊ में आयोजित इस सम्मेलन को सीएम ने संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। सीएम ने कहा है कि 4.5 सालों में 4.25 लाखों से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। पहले योग्य लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती थी। वर्ष में 4.5 लाख से अधिक लोगों को हम सरकारी नौकरी दे चुके हैं। मैंने कहा इससे पहले, तो उन्होंने मुझे बताया कि 2004 से 2017 के बीच, यानी पहले 14 वर्ष में इतनी नौकरी नहीं मिल पाई थी। और जो नौकरी सरकारी आती भी थी तो कहीं भाई, कहीं भतीजा, कहीं चाचा, कहीं मामा, ये सब वसूली में लग जाते थे। योग्य व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पाती थी। भाइयों बहनों, आज ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आज तो मेरिट के आधार पर सारे कार्य हो रहे हैं, हर दिया है, देने का प्रयास हो रहा है। और ये मान करके चलना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास की बात कही है तो कोई भी अपने को उपेक्षित महसूस नहीं करेगा। हर एक तबके को प्रतिनिधित्व मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आगे बढ़ने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। और आज आपने देखा होगा पंचायत चुनाव में, बोर्ड और आयोगों में अलग 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 तबके के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है। मैं यहां देख रहा था पिछड़ा वर्ग आयोग में भी 2 सदस्य विश्वकर्मा समाज से जुड़े हुए हैं। ये अब संवैधानिक बॉडी बन चुकी है। अन्य तमाम आयोग, कोई किसी आयोग के चेयरमैन के रूप में, किसी बोर्ड के चेयरमैन के रूप में, किसी के वाइस चेयरमैन के रूप में, विश्वकर्मा समाज का भी कोई ना कोई सपूत वहां जाकर के नेतृत्व दे रहा है। कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष, कोई ब्लॉक प्रमुख, कोई जिला पंचायत का सदस्य, कोई ग्राम प्रधान, कोई क्षेत्र पंचायत समिति का सदस्य बन करके अपना योगदान वहां के विकास में भी दे रहा है। अलग अलग समाज को अलग अलग क्षेत्र में प्रतिनिधित्व देने का काम भी हो रहा है। कोई ये नहीं कह सकता हमारी उपेक्षा हुई। और जहां पर और भी आगे बढ़ाने के लिए, आखिर से रामचंद्र जागड़ा जी को भी भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में भेजा है, राज्यसभा में सांसद हैं। आज वे आपके बीच में आए हैं, उनका मार्गदर्शन आप सबको प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा, गांव गांव और घर घर जाइए, पूरे समाज को जागरूक करिए, बताइए कि कौन जो देश का हितेशी होगा वही प्रदेश का हितेशी होगा। कुछ लोगों ने कश्मीर में समस्या पैदा की, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में आतंकवाद की जन्नी धारा 370 सदियों के लिए समाप्त हो गई। कुछ लोगों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधाएं पैदा की, राम भक्तों पर गोलियां चलाई। आज अयोध्या में, केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।
हमें इस स्थिति को समझना होगा और इस विश्वास के साथ इस सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में मैं एक बार फिर से आप सबका आह्वान करूंगा, लोगों को जागरूक करें, शासन की योजनाओं के साथ जोड़ें, 2022 के लिए अभी से तैयारी प्रारंभ करें। और सुल्तानपुर में सीएम ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया, 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं। 2017 के बाद प्रदेश में कर्फ्यू की बात तो बहुत दूर है, प्रदेश में कोई दंगाई सिर उठाने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता, उसे मालूम है दंगा करेगा तो सात पीढ़ी का पट्टा उसे लिख के देना पड़ेगा, उसके घर जाने को भरते भरते पीढ़ी की पीढ़ी चली जाएगी, लेकिन वह कभी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। पेशेवर अपराधी और गुंडों को बहुत स्पष्ट संदेश है कि अगर गरीब के जमीन पर संपत्ति पर कब्जा करोगे, व्यापारियों की संपत्ति को हड़पोगे, जबरन कहीं सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करने का प्रयास करोगे, तो ये संपत्ति तो सरकारी है या गरीब की संपत्ति तो गरीब को मिल ही जाएगी, लेकिन खानदान की भी कोई संपत्ति होगी तो उससे भी गवाना पड़ेगा, और जबरन दादागिरी दिखाने का प्रयास करोगे तो बुलडोजर भी अपना तैयार रहता है फिर। और भाइयों बहनों, आज सरकार उस तर्ज पर कार्य करते हुए दिखाई भी दे रही है। भाइयों बहनों, जनपद सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सर्वाधिक लाभ लेने वाला जनपदों में से है और लगभग 107 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर जनपद से होकर के जा रहा है, 4 गुना मुआवजा मिला है यहां के किसानों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर, 4 गुना। और भाइयों बहनों, जब औद्योगिक क्लस्टर बनेंगे तो फिर सुल्तानपुर का विकास कई गुना आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और सुल्तानपुर के नौजवानों को सुल्तानपुर में ही रोजगार भी उपलब्ध होने लग जाएगा। सुल्तानपुर में तो हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एक एयर स्ट्रिप भी बना दी है, एयरपोर्ट जैसा बना दिया है, एयरफोर्स के जहाज भी वहां उतरा करेंगे और इमरजेंसी में कोई लैंडिंग करनी हो कभी किसी जहाज का तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उसके लिए तैयार होता हुआ दिखाई देगा, यह गौरव भी सुल्तानपुर वासियों को प्राप्त होगा। पहले भारत के अंदर 2004 से 2014 तक जिस प्रकार की सरकारें थी उनका एक ही उद्देश्य होता था, जैसे भी हो भारत की आस्था पर प्रहार करना, जैसे भी हो भारत के विकास को बाधित करना, और फिर यही क्रम उनका आगे बढ़ता गया और एक समय तो ऐसा आ गया था 2009 के बाद जब हर दिन एक नया घोटाला कांग्रेस नेतृत्व की केंद्र की सरकार का देश के सामने आता था और पूरा देश हैरान और परेशान होता था। विकास की योजनाओं का लाभ न देश को मिलता था, न प्रदेश को मिलता था, न गांव को मिलता था, न गरीब को मिलता था, न किसान को मिलता था, न नौजवान को मिलता था, न महिलाओं को मिलता था। विकास की इन योजनाओं को परिवार तक सीमित करके रख दिया था, एक परिवार दिल्ली में, एक परिवार लखनऊ में बैठ करके गरीब के पैसे को हड़पने का कार्य करता था और जनता कोई भूख से मरती थी, कोई सुविधा के अभाव में मरती थी, कोई स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मरती थी। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2014 में आने के बाद देश को मंत्र दिया था सबका साथ और सबका विकास का, उसको सार्थक करके भी दिखा दिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।